हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। स्वागत करता हूँ एक बार फिर से आपका अपेक्स अकेडमी के ई पोर्टल में, जहाँ पर हम लेकर आए हैं आपके लिए मशीनिंग की वीडियो लेक्चर सीरीज़। ओके, तो इस टॉपिक पर अभी तक बहुत सारे लेक्चर हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं, आप पहले पिछले लेक्चर्स देखिए, उसके बाद इन आगे के लेक्चर्स को देखिए, ठीक है। एक सीरीज़ में पढ़ेंगे तो ज़्यादा सुटेबल रहेगा, ठीक है। तो अभी जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में जो डिस्कस किया था, उसमें कुछ टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट हुए थे, जैसे कि शेयर प्लेन क्या होता है, शेयर एंगल क्या होता है, चिप कटिंग रेशो क्या होता है, ठीक है, चिप रिडक्शन कोफिशेंट क्या होता है। ऑल दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ठीक है। ऐसी आज एक और टॉपिक है जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हम डिस्कस करेंगे, उसका नाम है बिल्ट अप एज। बिल्ट अप एज, ठीक है। बिल्ट अप एज में क्या होगा कि इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं बेटा, BUE, ठीक है, बिल्ट अप एज। तो बिल्ट अप एज बेटा कटिंग एज के लिए एक वरदान भी है और एक अभिशाप भी है। अगर मैं बात करूं कि इट इज वेरी सुटेबल, समटाइम इट इज वेरी सुटेबल फॉर कटिंग एज, एंड मोस्टली इट इज अनसुटेबल फॉर द कटिंग एज। कैसे, क्या कंसेप्ट होता है, क्या चीजें इसमें होती है, कैसे ये बनती है, आज यही सब हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो याद रखना बेटा, बिल्ट अप एज बनती क्या है, बिल्ट अप एज होती क्या है, पहले ये देखते हैं, ठीक है। मान लीजिए आप इस मटेरियल को मशीन कर रहे हैं, ठीक है, दिस इज द पार्ट ऑफ वर्क पीस एंड दिस इज कटिंग चिप। ओके, दिस इज चिप। कटिंग टूल को मैंने यहां पर दिखाया, दिस इज द टिप ऑफ कटिंग टूल, ठीक है। आपको याद है कि अगर कटिंग टूल को हम ऐसे देखें, तो आप नोटिस करेंगे कि ये वाला जो सर इतना पोर्शन होता है ये कटिंग टिप, तो दिस इज द रेक सरफेस, यानी कि रेक सरफेस हुआ, एंड दिस इज द एंड फ्लैंक फेस, ये आपका एंड फ्लैंक फेस हुआ, ठीक है। चलिए, इतना तो आपको याद होगा, ठीक है, पिछले लेक्चर्स में हम डिस्कस कर चुके हैं। नाउ अब होता क्या है बेटा कि जब मशीनिंग होती है तो वर्कपीस का कुछ मटेरियल इस कटिंग टूल की एज पर, यानी कि यहां पर ये जो लंप बना है, ये जो एक ढेर बन गया है, ये चिपक जाता है, ठीक है। तो जब हम किसी मटेरियल को मशीन करते हैं कटिंग टूल की मदद से, तो उसकी टिप पर ये मटेरियल थोड़ा सा जम जाता है, या कहूं वेल्ड हो जाता है। तो एक्चुअली ये मटेरियल जो लंप में या ढेर की फॉर्म में कटिंग टिप से चिपका है, दैट इज ऑफ वर्क मटेरियल इट्सेल्फ, यानी कि वो वर्क मटेरियल का ही है। ओके, तो अब बिल्ट अप एज बनने का कारण क्या है, सबसे पहले देख लीजिए, व्हेन ए सॉफ्ट और डक्टाइल मटेरियल इज मशीन्ड, यानी कि जब किसी सॉफ्ट या डक्टाइल मटेरियल को हम मशीन करेंगे तो बिल्ट अप एज बनती है। कारण क्या है बनने का, कारण क्या है, द रीजन इज हाई टेम्परेचर, यानी कि जब मशीनिंग होगी तो हाई मशीनिंग टेम्परेचर की वजह से वर्कपीस का कुछ मटेरियल कटिंग टूल की टिप पर आकर वेल्ड हो जाएगा, ठीक है। ड्यू टू अबव रीजन्स वर्क मटेरियल विल बी वेल्डेड ऑन कटिंग टूल, ठीक है। तो ये आपको एक बहुत ही अच्छा इंट्रोडक्शन है बिल्ट अप एज के लिए। सबसे पहले तो याद रखना कि किसी सॉफ्ट और डक्टाइल मटेरियल को मशीन करते हुए ये बनती है, ठीक है। कारण क्या है, बहुत हाई मशीनिंग टेम्परेचर हो जाता है, जिसकी वजह से वर्कपीस का मटेरियल कटिंग टूल की टिप के ऊपर वेल्डेड हो जाता है, या एडिशन हो जाता है वर्क मटेरियल का, या कहूं स्टिक हो जाता है, चिपक जाता है, ठीक है। अब इससे क्या, अब देख रहे हैं आप कि जो बिल्ट अप एज है यहां पर, ये जो बिल्ट अप एज है, तो इससे क्या होता है कि कटिंग एज इसके नीचे आ जाती है,
कटिंग एज इस बिल्टअप मटेरियल के नीचे आ जाती है, तो यानी कि कटिंग इफेक्टिव नहीं रह पाती, कटिंग इफेक्टिव नहीं रह पाती, ठीक है। अब होता क्या है बेटा, जैसे जैसे ये ढेर ये लंप बढ़ेगा तो क्या होगा, देखिए कटिंग जो बिल्टअप एज है वो इस कटिंग टूल के साथ एक बॉन्ड बना देती है जिसका एक फोर्स होता है एफ बी, ठीक है, जो कि इस डायरेक्शन में लगता है, कटिंग टूल के अलोंग लगता है, ओके। तो ये जो एफ बी है एक्चुअली दिस इज द बॉन्ड, दिस इज द बॉन्ड फोर्स, बॉन्ड फोर्स बिटवीन वर्क एंड कटिंग टूल, कटिंग टूल और वर्कपीस के बीच एक बॉन्ड बन जाता है जो कि एक फोर्स लगाता है इस कटिंग एज पर, ठीक है। अब ये जो अनकट पोर्शन है मटेरियल का, ये एक रेजिस्टेंस फोर्स प्रोवाइड कराता है एफ आर, ठीक है। तो ये जो एफ आर है ये अनकट मटेरियल द्वारा प्रोवाइड कराया गया एक रेजिस्टेंस फोर्स है जो कि एफ बी यानी कि बॉन्ड फोर्स के अगेंस्ट लगता है, ठीक, अपोजिट लगता है। तो मैं यहां पर लिख देता हूं एफ आर क्या है आपका, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस फोर्स प्रोवाइडेड बाय, प्रोवाइडेड बाय अनकट मटेरियल, मटेरियल अनकट मटेरियल, ठीक है। अब जैसे ही एक कंडीशन होती है कि ये जैसे जैसे लंप, ये जो ढेर है, ये जो हीप है, ये बढ़ता रहता है, इसका साइज बढ़ता रहता है, वैसे वैसे एफ आर बढ़ता रहता है, और जैसे जब से ही एफ आर बड़ा हो जाएगा किससे, इस बॉन्ड फोर्स से, तो क्या होगा आपका कि बिल्टअप एज, बिल्टअप एज विल शेयर, या कहूं बिल्टअप एज आपकी टूट जाएगी, शेयर हो जाएगी, ठीक है। तो ये जो आपका रेजिस्टेंस फोर्स है ये जब ज्यादा हो जाएगा इस बॉन्ड फोर्स से, तो ये बना हुआ हीप जो है, ये जो आपका ढेर बन गया है वर्क मटेरियल का कटिंग टूप पर, वो बेटा टूट जाएगा, ओके। तो क्या होता है, जैसे जैसे अब ये एफ आर बढ़ता कैसे है, जैसे जैसे इस बिल्टअप एज का साइज बढ़ता है, ठीक है, ओके, बात समझ में आ गई, ठीक है। तो होता क्या है बेटा कि जब मशीनिंग टेम्परेचर बढ़ता है तब क्या होता है, मशीनिंग एरिया में स्ट्रेस बढ़ने लगता है, और जैसे जैसे ये स्ट्रेस बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगा बेटा कि आपका यहां पर बिल्टअप एज बननी शुरू हो जाएगी, और जैसे ही बिल्टअप एज बननी शुरू होगी उसके कुछ नेगेटिव इफेक्ट भी होंगे और बहुत ही कम अच्छे इफेक्ट भी होंगे, ठीक है। तो बेटा ये हाई टेम्परेचर की वजह से आपने देखा क्या हुआ कि वर्क मटेरियल कटिंग टिप पर चिपक गया, जिसे हम बिल्टअप एज कहते हैं, ठीक है। अब बिल्टअप एज डिपेंड किन किन चीजों पर करती है हम ये देखेंगे, ओके, इसे मैं साफ कर देता हूं यहां पर, आई होप आपने उतार लिया हो गए। बेटा जब भी नोट्स बनाने हो आप फौरन वीडियो पॉज करें और नोट्स कॉपी कर लें, ठीक है, बहुत शॉर्ट नोट्स हैं, बहुत ज्यादा नहीं लिखवा रहा हूं, ठीक है, इंपॉर्टेंट चीजें लिखवा रहा हूं। तो बिल्टअप एज डिपेंड्स अपॉन अब देखेंगे हम किस किस चीज पर डिपेंड करती है बिल्टअप एज, ठीक है। तो पहली चीज जिस पर डिपेंड करती है बिल्टअप एज, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेसिकली, मशीनिंग टेम्परेचर जितना मतलब अगर हाई होगा तो बिल्टअप एज बनना लाजमी है, हर हालत में बिल्टअप एज बनेगी, ठीक है। दूसरी चीज वर्क टूल केमिकल एफिनिटी, यानी कि वर्कपीस और कटिंग टूल मटेरियल के बीच क्या केमिकली रिएक्शन होने की संभावना ज्यादा है, अगर ये संभावना ज्यादा है केमिकल रिएक्शन की तो बेटा बिल्टअप एज बनना क्या होता है कि एसेंशियल जरूरी हो जाता है, क्योंकि वहां हर हालत में बिल्टअप एज बनेगी जहां वर्कपीस और टूल का मटेरियल केमिकली आपस में रिएक्ट कर सकता है, ठीक है। तीसरा जो आपका इंपॉर्टेंट है वो मतलब ये हो गया, उसके बाद लो कटिंग वेलोसिटी, जब कटिंग वेलोसिटी कम होती है बेटा तो बिल्टअप एज बनती है हर हालत में, ठीक है,
ओके, यानी कि जितनी कटिंग वेलोसिटी कम होगी बिल्टअप एज बनने के चांसेस उतने ज्यादा हो जाएंगे। नेक्स्ट इज हाई फीड। जब फीड बहुत हाई होगी तो क्या होगा बेटा, बिल्टअप एज बनने की संभावना ज्यादा हो जाती है। ठीक है, इसके बाद एब्सेंस ऑफ कटिंग फ्लूड, यानी कि जब कटिंग फ्लूड जो कि कूलेंट का भी काम करता है आप मशीनिंग एरिया में प्रोवाइड नहीं कराएंगे तो बिल्टअप एज बनने की बहुत ज्यादा संभावना हो जाएगी। इसके अलावा हाई कटिंग स्ट्रेन, ये मैं आपको पहले बता चुका हूं, हाई कटिंग स्ट्रेन। ठीक है, क्योंकि आपको याद होगा हमने इससे पहले लेक्चर में पढ़ा था कि जैसे जैसे कटिंग स्ट्रेन बढ़ता है वैसे वैसे दैट इज कटिंग फोर्स हाई हो जाता है, हाई कटिंग फोर्स। अब जैसे जैसे कटिंग फोर्स हाई होगा वैसे वैसे क्या होगा, स्ट्रेस हाई होगा, स्ट्रेस विल बी हायर। ठीक है, तो जैसे जैसे आपका कटिंग स्ट्रेन ज्यादा है उसका यही मतलब है कि कटिंग फोर्स ज्यादा है, या कहूं कटिंग स्ट्रेस ज्यादा है, तो तब भी बिल्टअप एज बनने की संभावना बहुत बहुत ज्यादा हो जाती है। ठीक है, तो बेटा ये तो हुआ किन किन चीजों पे बिल्टअप एज डिपेंड करती है। ठीक है, अब एक चीज याद रखिए, अगर मैं HSS यानी कि हाई स्पीड स्टील या अनकोटेड कार्बाइड का कटिंग टूल लूं, यानी कि अगर इन दोनों में से कोई एक मटेरियल मैं ले रहा हूं, तब क्या होता है कि बिल्टअप एज जो है बेटा कटिंग टूल के रेक फेस से, दिस इज द कटिंग टूल, रेक फेस से एंड फ्लैंक फेस तक पहुंच जाती है, एंड फ्लैंक फेस तक पहुंच जाती है। यानी अब इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि हाई स्पीड स्टील का जो कटिंग टूल होता है या अनकोटेड कार्बाइड के जो कटिंग टूल होते हैं उनमें बिल्टअप एज बनने की संभावना बहुत ज्यादा होती है, और इतनी ज्यादा होती है कि ये आपका जो बिल्टअप एज है ये बिल्टअप एज रेक फेस से होते हुए कहां तक पहुंच जाती है, एंड फ्लैंक फेस तक पहुंच जाती है। ठीक है, तो ये तो हुआ बात बेटा कि बिल्टअप एज किन कैसे बनती है, किन किन बातों पे डिपेंड करती है। ठीक है, अब हम नोटिस करते हैं इसके साइड इफेक्ट क्या क्या हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे बेटा कि बिल्टअप एज के साइड इफेक्ट क्या क्या हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, साइड इफेक्ट कहूं या डिसएडवांटेज कहूं कुछ भी कह सकता हूं मैं। ठीक है, तो अब हम देखेंगे साइड इफेक्ट्स। देखो बच्चों, साइड इफेक्ट्स या डिसएडवांटेज की जब मैं बात करूंगा बिल्टअप एज की, तो सबसे पहली चीज जो मेरे सामने आएगी वो समझ लीजिए क्या होगा। बिल्टअप एज जो होती है, सबसे पहले देख रहे हैं कि बिल्टअप एज जो है वो जो है कैरी की जाती है, आर कैरीड अवे बाय चिप। बिल्टअप एज को अपने साथ कौन ले जाता है, चिप ले जाती है, यानी कि जब वो टूटती है, जब आपको याद होगा एफ आर बड़ा हो जाएगा एफ स्मॉल बी से, यानी कि रेजिस्टेंस फोर्स जो है वो बॉन्ड फोर्स से ज्यादा हो जाएगा तो बिल्टअप एज टूटेगी। जब वो टूटेगी तो कहां जाएगी, देन बिल्टअप एज कैरीड अवे बाय द चिप, चिप मशीनिंग एरिया से उसे दूर ले जाती है। तो अब यहां पर एक पॉसिबिलिटी है सो दिस इज पॉसिबल that some part of cutting edge or some grains of cutting tool also carried away by chip along with built up edge।
ठीक है। अब आपको पता है कि बुल्टअप एज वेल्ड हो जाती है ड्यू टू वेरी हाई टेम्परेचर ऑन द रेक फेस एंड फ्लैंक फेस ऑफ द कटिंग टूल, ठीक है। तो जब वो बुल्टअप एज टूटे तो ऐसा पॉसिबल है बेटा कि वो अपने साथ साथ कटिंग एज का कुछ पोर्शन या कटिंग टूल के कुछ ग्रेन्स को अपने साथ लेके चली जाए। अब बुल्टअप जाती कैसे है मशीनिंग एरिया से बाहर, चिप की मदद से, ठीक है। तो जब चिप बुल्टअप एज को तोड़ेगी या अपने साथ लेके जाएगी तो ऐसा पॉसिबल है कि कटिंग एज का कुछ पोर्शन या कहूं कटिंग टूल के कुछ ग्रेन्स वो बुल्टअप एज के साथ चिपक कर बाहर निकल जाए मशीनिंग से। तो इससे क्या होगा बेटा, इससे होगा क्या, दैट मीन्स ठीक है, लोअर टूल लाइफ, इससे टूल लाइफ कम हो जाएगी, 100% कम हो जाएगी, ठीक है। हायर टूल वियर, ठीक है, टूल में घिसाव ज्यादा होने लगेगा, ठीक है। तो पहला जो साइड इफेक्ट है वो ये है कि आपका कटिंग एज का कुछ पोर्शन या कटिंग टूल के कुछ ग्रेन्स चले जाएंगे बाहर मशीनिंग एरिया से चिप के साथ जब बुल्टअप एज टूटेगी। अब ऐसा होने पर टूल लाइफ कम हो जाएगी और टूल वियर बढ़ जाएगी। तो ये तो था पहला साइड इफेक्ट। दूसरे साइड इफेक्ट की बात करते हैं बेटा, दूसरा साइड इफेक्ट क्या है ये देख लेते हैं अब कि बुल्टअप एज का दूसरा साइड इफेक्ट क्या है, ठीक है। अब आप नोटिस कर रहे होंगे बेटा कि जो कटिंग टिप है उसके इतने पोर्शन पर बुल्टअप एज बन गई, ठीक है। अब आपको याद है जब मशीनिंग होती है तो कुछ ऐसे होती है, ठीक है, ओके, ऐसे होगी। तो क्या आप नोटिस कर रहे होंगे कि ये वाला सरफेस जिसे मुझे बिल्कुल स्मूथ और प्लेन बनाना था, जिसे मशीन सरफेस कहते हैं, इसे मैंने थोड़ा रफ बनाया है, ठीक है। तो क्या करती है बुल्टअप एज, मशीन सरफेस की सरफेस फिनिश खराब करती है। तो इट डिस्टॉर्ट या डिस्ट्रॉय सरफेस फिनिश ऑफ मशीन्ड सरफेस, ठीक है। तो आप देख रहे हैं ना कि एंड फ्लैंक पे भी आ गई है बुल्टअप एज। तो एंड फ्लैंक पे आने की वजह से क्या होगा कि एंड फ्लैंक जो मशीन सरफेस है उसके कांटेक्ट में आ जाएगा, और जैसे ही एंड फ्लैंक बुल्टअप एज के थ्रू मशीन सरफेस के कांटेक्ट में आएगा तो वहां की सरफेस फिनिश खराब होनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट जो इसका साइड इफेक्ट है वो क्या है देखते हैं। इट चेंजेस क्या, मैं डिक्रीज कहूंगा, इट चेंजेस द रेक एंगल। ये क्या करती है, जब बुल्टअप एज कटिंग के रेक सरफेस पर आ जाती है तो रेक एंगल बदल जाता है कटिंग टूल का, या कहूं घट जाता है। और आपको याद होगा जैसे ही रेक एंगल घटेगा वैसे ही कटिंग फोर्स FC बढ़ जाएगा। तो कटिंग फोर्स क्या होता है, बढ़ जाता है, ठीक है। दूसरी चीज, इट प्रोड्यूस वाइब्रेशन, इससे वाइब्रेशन भी प्रोड्यूस होंगे। फिर जब कटिंग फोर्स बढ़ जाएगा तो वाइब्रेशन आपके क्या होगा कि वो प्रोड्यूस होने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। कटिंग फोर्स विल फ्लक्चुएट। कटिंग फोर्स कांस्टेंट नहीं रहेगा, फ्लक्चुएट करेगा, ठीक है। तो बार बार फ्लक्चुएट करेगा कटिंग फोर्स, जिससे क्या होगा, आपको पता है सरफेस फिनिश आपकी कम होने स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है, ओके। अब ये कुछ इसके साइड इफेक्ट थे जो मैंने आपसे डिस्कस किए हैं। अब हम देखेंगे कि कैसे हम अवॉइड कर सकते हैं बुल्टअप एज का बनना, क्या कारण, क्या क्या चीजें हो सकती हैं जिससे बुल्टअप एज ना बने, ठीक है। कुछ तरीके बता रहा हूं, इन तरीकों को याद रखना कि बुल्टअप एज ना बने उसका क्या तरीका। सबसे पहला जो तरीका है मैं यहां लिख देता हूं, रेमेडीज टू अवॉइड बुल्टअप एज। कैसे हम बुल्टअप एज को दूर करें, उसके तरीके क्या क्या हैं। तो सबसे पहला जो सबसे इफेक्टिव तरीका है बेटा वो क्या है, वो हो सकता है बेटा ऐसे, हायर टूल सॉरी हायर एक सेकेंड
कटिंग स्पीड, ठीक है। आप कटिंग स्पीड लो मत लीजिए, आप कटिंग स्पीड हायर चूज कीजिए, क्योंकि हायर कटिंग स्पीड क्या होगी, बिल्ट अप एज फॉर्म होगी और उसके बाद फिर उसे वो तोड़ देगी। देखो बेटा, ये बिल्ट अप एज का बनना पूरी तरह से एलिमिनेट कभी नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये एक साइकिल है मशीनिंग की। जब भी हम किसी डक्टाइल या सॉफ्ट मटेरियल को मशीन करते हैं तो बिल्ट अप एज हर हालत में बनेगी। अब जब बिल्ट अप एज हर हालत में बनेगी तो उसे किसी भी तरीके से कंप्लीटली एलिमिनेट नहीं किया जा सकता है। हाँ, उसके इफेक्ट को या उसके साइज को कम किया जा सकता है, ठीक है। तो हायर कटिंग स्पीड एक ऐसा मेथड है जिससे आप क्या कर सकते हैं, आप बिल्ट अप एज का बनना रोक सकते हैं, क्योंकि हाई स्पीड पर बिल्ट अप एज जैसे ही बननी स्टार्ट होगी फौरन टूट जाएगी, ठीक है। ओके, दूसरा जो तरीका है बहुत इफेक्टिव है, यह भी यूज ऑफ कटिंग फ्लूइड, कटिंग फ्लूइड का यूज कीजिए, क्योंकि ये कूलेंट का काम करता है, इससे मशीनिंग टेम्परेचर कंट्रोल रहेगा, जिससे बिल्ट अप एज होने की, बिल्ट अप एज बनने की, फॉर्मेशन की जो संभावना है वो कम हो जाएगी, ठीक है। इसके अलावा लो फीड एंड लो डेप्थ ऑफ कट, लो डेप्थ ऑफ कट आप यूज कीजिए। फीड भी देखिए, फीड देनी तो पड़ेगी हर, लेकिन लो कीजिए, कम वैल्यू रखिए। इसी तरीके से डेप्थ ऑफ कट की भी वैल्यू कम रखिए, ठीक है। एक तो, ठीक है, तो ये तरीका हो गया एक तो, ठीक है। दूसरा एक और तरीका है जिसे हम कह सकते हैं बाय चूजिंग प्रॉपर कटिंग टूल मटेरियल, कटिंग टूल मटेरियल सुटेबली सेलेक्ट किया जाए, कौन से वर्क पीस के साथ कौन सा कटिंग टूल जो है वो अच्छा रहेगा, ठीक है। ये अगर हम देख लें तो हमें ये भी पता चल जाएगा कि कैसे इससे क्या होगा कि जो केमिकल एफिनिटी होगी कटिंग टूल के वर्क पीस के साथ उसे कम किया जा सकता है, ठीक है। तो ठीक है, ये हो गया आपके बात। और बेसिकली बाय कंट्रोलिंग कटिंग टेम्परेचर, ठीक है। वैसे तो बेसिकली ये पॉइंट यहीं पर कवर हो गया था जैसे हम कटिंग फ्लूइड यूज कर रहे हैं, बट कटिंग फ्लूइड से बेटा फ्रिक्शन भी कम होता है, ठीक है। तो बाय कंट्रोलिंग कटिंग टेम्परेचर, जो कटिंग टेम्परेचर है या मशीनिंग टेम्परेचर है उसे कंट्रोल करके, ठीक है, एटसेट्रा। और भी तरीके हो सकते हैं, बट ये कुछ मेन है जो मैंने आपको बता दिए। इसमें सबसे अच्छा तरीका है कि आप कटिंग स्पीड को हायर रखें, ठीक है। तो ये था कैसे बिल्ट अप एज को आप अवॉइड करेंगे, ठीक है। ओके, नाउ अब मैं आपको एक ही फायदा है बिल्ट अप एज का जो बताने वाला हूं, सिर्फ एक ही फायदा, ठीक है, इसे समझ लें आप। अगर कोई पूछे आपसे कि बिल्ट अप एज का क्या कोई फायदा हो सकता है, तो आप कहेंगे कि यस, हो सकता है। मान लीजिए दिस इज कटिंग टिप, अगर आपकी बिल्ट अप एज बहुत पतली है तो क्या कर होता है कि यह बिल्ट अप एज कटिंग एज की थोड़ी देर के लिए प्रोटेक्ट करती है, थोड़ी देर के लिए उसका प्रोटेक्टर बन जाती है, यानी कि कटिंग एज को बचाती है, ठीक है। तो अगर बहुत पतली है तो बहुत ज्यादा इसका यहां पर ढेर नहीं होना चाहिए, बहुत बड़ा लंप नहीं होना चाहिए, बहुत पतली है अगर तो क्या होगा बेटा कि कटिंग एज का प्रोटेक्टर बन जाती है बिल्ट अप एज, जिससे क्या होता है कि टूल लाइफ बढ़ जाती है। लेकिन याद रखना, ये तभी पॉसिबल है जब आपका बिल्ट अप एज बहुत पतली होगी, बिल्कुल टू द सरफेस होगी, ओके, लंप नहीं बनना चाहिए, ठीक है। तो हाँ, ये बिल्कुल सही बात है कि बिल्ट अप एज से टूल लाइफ बढ़ सकती है, कैसे, जब वो बहुत पतली हो तो कटिंग एज को वो प्रोटेक्शन देती है, जिससे कटिंग टिप की जो लाइफ होती है या कटिंग एज की जो लाइफ होती है वो बहुत अच्छी हो जाती है, ठीक है। तो आज हमने अभी देखा बेटा बिल्ट अप एज, ठीक है। अब हम देखेंगे बेटा कि चिप्स के कितने टाइप्स होते हैं, ठीक है। तो चिप्स के टाइप्स बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, हम एक टेबल बनाएंगे, ठीक है। तो उस टेबल को फिर हम अलग से स्टडी करेंगे, तो बनाते हैं पहले टेबल, ओके। तो टाइप्स ऑफ चिप्स पढ़ने के लिए हमने बेटा ये टेबल बनाई है, इसे ध्यान से देख लेंगे।
कि इसमें टाइप्स ऑफ चिप्स दिए गए हैं। पहला टाइप होता है बेटा डिसकंटिन्यूअस चिप का, दूसरा टाइप होता है कंटिन्यूअस चिप विद बिल्ट अप एज, और तीसरा टाइप होता है बेटा कंटिन्यूअस चिप विदाउट बिल्ट अप एज, ठीक है। और चौथा टाइप होता है बेटा सेरेटेड और सेगमेंटेड चिप, सेरेटेड और सेगमेंटेड चिप। अब ये चारों के लिए फेवरेबल कंडीशन है इन पॉइंट्स के हिसाब से। कौन कौन से पॉइंट? शेप, वर्क मटेरियल, कटिंग वेलोसिटी, फीड, डेप्थ ऑफ कट, रेक एंगल, कटिंग फ्लूइड, ये इसके हिसाब से हम अब इन्हें एक कंपेयर करेंगे। आपको ये चार्ट याद रखना है क्योंकि इस चार्ट में बेटा हम बहुत ही इंपॉर्टेंट एक तरह से क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं डिसकंटिन्यूअस चिप की। तो डिसकंटिन्यूअस चिप का जो शेप होता है वो होता है इररेगुलर होती हैं, ठीक है। इनका कोई भी पर्टिकुलर साइज नहीं होता, ठीक है, छोटी छोटी होती है। वर्क मटेरियल हार्ड एंड ब्रिटल, हार्ड एंड ब्रिटल मटेरियल को जब हम मशीन करते हैं तब डिसकंटिन्यूअस चिप बनती है। कटिंग वेलोसिटी लो, फीड हाई, डेप्थ ऑफ कट हाई, रेक एंगल निगेटिव और लो, पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है, ठीक है। कटिंग फ्लूइड एब्सेंट। अब इस लाइन को समझ लीजिए, बाकी सब लाइंस आपके समझ में आ जाएंगी। डिसकंटिन्यूअस चिप कब बनेंगी, ठीक है, तो इसके बारे में सबसे पहला, वर्क मटेरियल हार्ड और ब्रिटल जब होगा, कटिंग वेलोसिटी कम होगी, फीड हाई हो, डेप्थ ऑफ कट हाई हो, रेक एंगल निगेटिव हो या पॉजिटिव हो अगर तो बहुत कम वैल्यू का हो, और कटिंग फ्लूड एब्सेंट हो, जब ये सारी कंडीशन होंगी तब जाकर डिसकंटिन्यूअस चिप बनेगी। और डिसकंटिन्यूअस चिप की जो शेप होगी वो इररेगुलर होगी, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं कंटिन्यूअस चिप विद बिल्ट अप एज कहता हूं, ठीक है, तो रेगुलर शेप की होती है, ठीक है। वर्क मटेरियल आपको वही सॉफ्ट एंड डक्टाइल, ये तो आपको पता ही है कि बिल्ट अप एज वहीं बनेगी जहां पर इस मटेरियल को मशीन करेंगे, ठीक है, मटाइल सॉफ्ट एंड डक्टाइल। अब बिल्ट अप एज के लिए कटिंग वेलोसिटी लो हो, फीड हाई हो, डेप्थ ऑफ कट भी हाई हो, ठीक है, रेक एंगल जो है आपका वो लो पॉजिटिव हो, लो पॉजिटिव, ठीक है, और कटिंग फ्लूइड जो हो वो इनएडिक्वेट हो, अपर्याप्त हो तो, लेकिन इनएडिक्वेट है, अपर्याप्त है, ठीक है। अब कंटिन्यूअस चिप देखते हैं विदाउट बिल्ट अप एज। इसकी शेप जो है आपकी स्पाइरल या हेलिकल होती है, स्पाइरल या हेलिकल होती है। या तो स्पाइरल कब बनेगी, जब प्योर ऑर्थोगोनल कटिंग होगी। हेलिकल कब बनेगी, जब आपका इंक्लिनेशन एंगल होगा, यानी कि इंक्लिनेशन एंगल जीरो के बराबर नहीं होगा, ठीक है। वर्क मटेरियल अगेन सॉफ्ट एंड डक्टाइल, ठीक है, कटिंग वेलोसिटी हाई, फीड लो, डेप्थ ऑफ कट लो होनी चाहिए, रेक एंगल लार्ज पॉजिटिव, और कटिंग फ्लूइड आपका प्रेजेंट होना चाहिए, यानी कि कटिंग फ्लूइड होना चाहिए, ठीक है, तब बिल्ट अप एज नहीं बनेगी कंटिन्यूअस चिप के साथ। सेरेटेड और सेगमेंटेड चिप, सेरेटेड और सेगमेंटेड चिप कैसी होती है बेटा, मान लीजिए मैं आपको यहां छोटा सा डायग्राम बना देता हूं, ये आपका मान लीजिए कटिंग टूल है, ठीक है, एंड दिस इज योर फिनिश्ड सरफेस, ओके, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि ये जो शेप है ये सेरेटेड और सेगमेंटेड की है, तो इसे हम कहते हैं स्पाइक्ड, स्पाइक्ड एंड इररेगुलर, इररेगुलर, ठीक है। स्पाइक्ड होंगी, नोकीली सी होंगी, जैसे कटीली कुछ कांटों की शेप होती है, इस टाइप से सेरेटेड सेगमेंटेड चिप होती है। वर्क मटेरियल कैसा होगा बेटा, वर्क मटेरियल होगा आपका डक्टाइल, डक्टाइल
स्ट्रेन हार्डनिंग, स्ट्रेन हार्डनिंग एंड लो थर्मल कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी, ठीक है। यानी कि आपका मटेरियल डक्टाइल हो, उसमें स्ट्रेन हार्डनिंग नामक एक घटना हो रही हो, उसकी थर्मल कंडक्टिविटी लो हो, तब आपकी सेरेटेड सेगमेंटेड चिप बनेगी। कटिंग वेलोसिटी लो, फीड आपकी हाई, डेप्थ ऑफ कट हाई, रेक एंगल लार्ज पॉजिटिव, और आपका कटिंग फ्लूड चाहे हो या ना हो, एब्सेंट भी हो सकता है या प्रेजेंट भी हो सकता है, ठीक है। तो ये था आपका टाइप्स ऑफ चिप्स, एक बार डिस्कस कर लेते हैं इस चार्ट को। डिसकंटिन्यूअस चिप बनने के कारण क्या है, जब हम मशीनिंग कर रहे होंगे हार्ड और ब्रिटल मटेरियल को, जैसे कि ग्रे कास्ट आयरन या फिर आपका ब्रास, ठीक है, इस टाइप के मटेरियल को, कटिंग वेलोसिटी लो होगी, फीड हाई होगी, डेप्थ ऑफ कट हाई होगी, ये तीनों पैरामीटर इस तरीके से होंगे तब डिसकंटिन्यूअस चिप बनेगी। रेक एंगल या तो नेगेटिव होगा, क्योंकि आपको पता है हार्ड एंड ब्रिटल के लिए हम नेगेटिव रेक एंगल यूज करते हैं, और अगर पॉजिटिव रेक एंगल यूज करते हैं तो बहुत लो वैल्यू होती है पॉजिटिव रेक एंगल की, और कटिंग फ्लूड नहीं होगा। ओके, कंटिन्यूअस चिप जो है विद ब्यूल्टा पेज, यानी कि उसमें ब्यूल्टा पेज भी बनेगी, उसके लिए क्या कारण, उसका क्या है बेटा, कि मटेरियल सॉफ्ट एंड डक्टाइल होगा, ठीक है, सबसे पहली कारण वजह। दूसरा, कटिंग वेलोसिटी कम होगी, फीड ज्यादा होगी, डेप्थ ऑफ कट ज्यादा होगी, और रेक एंगल कम होगा, लो रेक एंगल होगा, कटिंग फ्लूड आपका अपर्याप्त होगा, इनएडिक्वेट होगा, ठीक है। और जब कंटिन्यूअसली विदाउट ब्यूल्टा पेज बनेगी तो क्या होगा, मटेरियल तो वही रहेगा सॉफ्ट एंड डक्टाइल, कटिंग वेलोसिटी वहां पर हाई होगी, फीड और डेप्थ ऑफ कट दोनों लो होंगी, लार्ज पॉजिटिव रेक एंगल होगा, 10 से 15 डिग्री की रेंज जो मैंने आपको बताई थी, और कटिंग फ्लूड भी वहां पर जरूर होगा। अब तीसरा, चौथा टाइप जो है वो सेरेटेड या सेगमेंटेड चिप है, ये तब बनता है बेटा जब मटेरियल डक्टाइल भी हो, उसमें स्ट्रेन हार्डनिंग भी होती हो, और उसकी थर्मल कंडक्टिविटी कम हो, बहुत कम हो, यानी कि हीट जल्दी से डिसिपेट नहीं हो पाएगी। तो जब जल्दी से हीट डिसिपेट नहीं हो पाएगी तो चिप अपने आप में हाई टेंपरेचर की वजह से डिफॉर्म हो जाएगी। इसके अलावा यहां पर कटिंग वेलोसिटी कम होगी, फीड और डेप्थ ऑफ कट हाई होगी, लार्ज पॉजिटिव रेक एंगल जब यूज करते हैं तब बनती है ये, और एब्सेंट होगा यहां पर आपका कटिंग फ्लूइड, और प्रेजेंट भी हो सकता है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तो कहूं अगर सेरेटेड या सेगमेंटेड चिप पर कटिंग फ्लूइड की प्रेजेंस या एब्सेंसी का कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, तो ये मैंने आपको बता दी है, ये आपकी सेगमेंटेड या सेरेटेड चिप होती है इस टाइप से, ठीक है। तो इसका एग्जांपल अगर मैं बात करूं कि सेरेटेड या सेगमेंटेड ऐसा कौन सा मटेरियल है जिसमें डक्टाइल, जो डक्टाइल भी है, स्ट्रेन हार्डनिंग भी हो रहा है, लो थर्मल कंडक्टिविटी है, तो इसके मटेरियल एग्जांपल जो हो गए वो आपका हो गया टाइटेनियम, मॉलिब्डेनम एटसेट्रा। ये मटेरियल को जब मशीन करते हैं हम इन पैरामीटर के साथ, तो बेटा आपका सेरेटेड चिप्स बनती है। कंटिन्यूअस चिप विद बिल्टअप पैच किसी भी सॉफ्ट और डक्टाइल मटेरियल के साथ बनेगी, जैसे कि आपका एल्यूमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, ठीक है, कोई भी आपका सॉफ्ट एंड डक्टाइल मटेरियल, ठीक है, उसके लिए बनेगी। कंटिन्यूअस चिप विदाउट बिल्टअप पैच भी इन्हीं मटेरियल के लिए बनती है, लेकिन फर्क कहाँ आता है, देखिए बेटा फर्क आता है बेटा मेनली कटिंग वेलोसिटी में, ठीक है, डेप्थ ऑफ कट में, फीड में, रेक एंगल में, और बेटा आपका कटिंग फ्लूड में, ठीक। डिसकंटिन्यूअस चिप के लिए मैंने एग्जांपल बता दिया आपको, ग्रे कास्ट आयरन हो गया, या कोई भी कास्ट आयरन, जो भी जिस कई तरह के होते हैं कास्ट आयरन, वो हो गए, ब्रास हो गया, ठीक है, ये सब मटेरियल को जब हम मशीन करेंगे तो डिसकंटिन्यूअस चिप बनेगी, ठीक है। ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इसमें से एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर आता है, ठीक है, आपसे पूछ लिया जाएगा कि डिसकंटिन्यूअस चिप का बनने का इनमें से क्या कारण है, वहां लिखा होगा हाई कटिंग वेलोसिटी, लो फीड, लो डेप्थ ऑफ कट, या मटेरियल का ब्रिटल होना, तो आपका आंसर क्या होगा, मटेरियल का ब्रिटल होना, इस तरीके से। तो ये चार्ट आपको पूरा याद करना है, ठीक है, अगर आपको ये चार्ट याद है तो आपको टाइप्स ऑफ चिप्स याद है।
बात समझ में आ गई। तो ये थी बात टाइप्स ऑफ चिप्स की, और आज हमने ये भी जाना कि किस तरीके से आपका बुल्टा पैच फॉर्म होती है। दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। इस वीडियो को अगर आपको ये वीडियो अगर आपको पसंद आ गई हो बेटा, तो फौरन इसे लाइक और शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, और नोटिफिकेशन आइकन जरूर दबा दीजिए, क्योंकि अभी आगे और लेक्चर आने वाले हैं, डिफरेंट सब्जेक्ट्स के लिए आने वाले हैं, क्वेश्चन वर्कशॉप होने वाली है, बहुत कुछ होने वाला है बेटा, ताकि आप अपना कंपटीशन को इजीली क्वालिफाई कर सकें, ठीक है। अब मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।